फिर से स्वागत करते हैं। मैं अनिल कुमार यादव सूरज। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सरलीकरण में, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है भाग तीन। अगर भाग तीन बना है तो भाग वन टू भी बना होगा। उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे लिंक दिया गया है। यदि डिस्क्रिप्शन नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाए, वहां पे भी आपको लिंक दिया गया है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। तो सरलीकरण में आज के इस एपिसोड में हम वो क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और बड़े से बड़े क्वेश्चन को बताने वाले हैं बहुत सिंपल तरीके से और ट्रिक के साथ बताने वाले हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानियां ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। वो कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर वन उठाते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया, तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है उसके साथ साथ ये लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो केवल इतना अगर आता है तो कैसे करेंगे। कुछ लोग को तो बहुत परेशानियां होती हैं, तो इस परेशानियों का हल देखिए कैसे किया जाता है। इस तरह इसके क्वेश्चन में हमेशा नीचे से हल करते हैं, कभी भी ऊपर से हल करने की कोशिश मत करिएगा, नीचे से हल करते हैं। अब कैसे करते हैं इसको बता दिया जाता है। देखिए, मैं शॉर्टकट नियम से बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले नीचे से हल करेंगे तो नीचे को इस कंडीशन को हल करना पड़ेगा। नीचे क्या है, 1-7/8 है, तो इसको हम इधर हल करके दिखाते हैं, फिर वहीं पे रख देते हैं। चलिए देखिए, 1-7/8 है तो इसको हम इधर हल करके दिखाते हैं। तो 8 का 1 में गुणा करेंगे, 8 * 8 - 7/8 घटा देंगे तो 1/8 आ जाएगा। कहने का मतलब इस टोटल के स्थान पर लिखेंगे 1/8। अगर पूरा डिस्क्राइब करके बता दिया जाएगा तो ऐसे कर सकते हैं, 8/1/ अब 1 के अपान मतलब इतना सारा ब्रैकेट जो बनाया उसके स्थान पे मैंने हल करके लाया है 1/8 लाया है, ठीक है। अब इस चीजों को अगर पलट दिया जाए, क्योंकि बट्टे के बट्टे है और ये हर का बट्टे है तो पलट जाता है, जब इसको पलट दिया जाए तो ये हो जाएगा केवल 8। देखिए कैसे, 1/6 * 1/8 ये पलट जाएगा ऊपर, 8 हो गया। अब देखिए, 8 का भाग 8 में करेंगे तो 1 आता है, तो कैसे करेंगे, 6 * 1/1 क्योंकि इन दोनों का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1/1, ठीक है। आगे समझ लीजिए, 1/6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये तो मैंने केवल किसका बताया, ये केवल इसका बताया, इस साइड का, इसका केवल बता रहा है। अभी +5/6 बचा हुआ है, तो अब इसको लास्ट में हम लगा लेते हैं। आप सीरियल वाइज लेकर भी जा सकते हैं, जैसे अगर लेकर जाना है तो 5/6 लगा लीजिए, +5/6 लगा लीजिए, +5/6 लगा लीजिए, उसके बाद 5/6 लगा लीजिए। अब हर अगर समान रहता है तो केवल एक बार लिखिए, और ऊपर 5 * 1 = 6 काट देंगे, टोटल 1, तो मतलब उस सभी का मान अगर देखा जाए तो 1 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे अंश और हर दोनों हैं, उसके साथ साथ उसमें भाग दिया गया है, इसमें सिंपल सा है, तो कैसे करेंगे। इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, भाग को हमेशा गुणा में चेंज कर लीजिए, करने के बाद उसको हल कर लीजिए। चलिए करके दिखाते हैं। 1/2 इसको गुणा करेंगे तो ये परिवर्तित हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, मतलब उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। उसके बाद इसको भी गुणा करेंगे तो ये भी 3/2 हो जाएगा, बट्टे के 1/2 है। अब इसको भी परिवर्तित कर लेते हैं, 4/3 हो जाएगा। उसके साथ साथ का है 2/3, मतलब सभी भाग को मैंने चेंज कर लिया गुणे में, करने के बाद बस इसको हल करना जाता है। चलिए हल करते हैं। देखिए, ऊपर का ऊपर करते हैं, नीचे का नीचे करते हैं, लेकिन 3 से 3 कट रहा है तो काट भी सकते हैं ना, और 2 से 2 कट रहा है, काट लीजिए, और इस 2 से ये 2 कट गया, मतलब ऊपर सब कट गया मिलकर, बचा 1, सब कट जाता है तो 1 बचता है, फिर बचा है नीचे 1/2, तो ये सीरियल वाइज करके मैंने इतना ला दिया। फिर इसके बाद गुणा है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा करिए, तो 8/9। लेकिन देखा जाए यहाँ पे, तो इसको कौन सा कंडीशन लिया जाए, ऊपर भेजा जाए या गुणा किया जाए, क्या होता है, तो ये हर का भिन्न है, तो सिंपल सा है, इसको पलट देते हैं, 2/1 * 8/9, ऊपर का ऊपर गुणा कीजिए और नीचे का नीचे, तो ये आ जाएगा आंसर। इसको मिश्र भिन्न में भी आप परिवर्तित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, इस कंडीशन में भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो कैसे करेंगे। देखिए, इसको आप ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट काटेंगे तो आपको गलत माना जाता है, तो आपको इसको हल करके काटा जाता है। जैसे 5 + 5/25
वही चीज नीचे 5×5=25 और प्लस 5, बीच में गुणा लगा देंगे। अब इसमें सबसे पहले का को करना होगा ना कि भाग को, यही गलतियां लोग कर बैठते हैं। तो सबसे पहले का आएगा, फिर भाग आएगा, फिर जोड़, फिर गुणा, ऐसे करके आता है। क्या करेंगे, 1/5 भाग रहने देते हैं, 1/5 का के स्थान पे गुणा लगा लेते हैं। गुणा का मतलब का मतलब गुणा होता है, तो 5×5 में गुणा कर लेंगे या सीधे लिख दिए 25, इसको हटा लीजिए। तो 5×5=25, गुणा का मतलब 25 हो गया गुणा। और वही चीज नीचे करेंगे, इसका भी गुणा कर लेंगे 1/25, फिर भाग लगा के 1/5। अब करने के बाद देखिए, ये तो हो गया 30/30, गुणा लगाने के बाद 1/5, इस भाग को चेंज करेंगे गुणा में 25/1, वही कंडीशन इसमें भी, ये हो जाएगा 5/1। अब देखिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा 1 गुणे, ये 5 से काट देंगे, ऊपर हो गया 5/1। अब नीचे देखिए, इसको भी काट देंगे तो 1/5 ये आ गया। तो 1 गुणे ये ऊपर जाएगा तो 5×5 हो जाएगा, और नीचे 1×1, मतलब 5×25 से कम 25, इसका आंसर टोटल आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ये a क्यूब है तो इसको b क्यूब बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, ये हमारा क्यूब हो गया, और प्लस इसको क्यूब बनाने के लिए 0.3 का क्यूब करेंगे तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 3×3=9, 3×3=27, और इसके साथ साथ 3 स्थान पर दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, इसका मतलब ये चीज मिल जाएंगी। बटे के ये ए स्क्वायर है तो इसको छोड़ देते हैं, माइनस इसको ए बी बना लेते हैं। ए बी मतलब पहला है 2.3 और दूसरा है 0.3, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। प्लस इसको बनाना है बी स्क्वायर, तो 0.3 का स्क्वायर ये मिल गया। अब देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर है और नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी है और प्लस बी स्क्वायर है। इस चीजों को पहले हम थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे, तो वही चीज जो लास्ट में आएगा उसी को हमें करना होता है। तो ऊपर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला देखा जाए तो ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला टोटल किसका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। और नीचे क्या बचा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा नीचे सॉरी ऊपर बचेगा ए प्लस बी बचेगा। मतलब ए और बी को जोड़ दिया जाए इस क्वेश्चन में तो आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी, ए हमारा क्या है 2.3 प्लस बी हमारा 0.3 है। देखिए, ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आंसर आ जाता है, तो 2.336 ये आ जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले आप लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और भी आपको अगला वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।